उत्तराखंड राज्य के जिले देहरादून में स्थित सिरियू गांव में आपका स्वागत है। हम आए हैं नविंदू के नानी जी के घर और यहाँ जायका लेंगे गढ़वाली खाने का। आइए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपका स्वागत है सिरियू गांव में। रसायन। अच्छा, हमें इस गांव के बारे में बताइए। हाँ जी, इस गांव के बारे में जो है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो परिवार रहते हैं वो जो हैं 7-8 परिवार रहते हैं, लेकिन सारे जो परिवार के लोग हैं इस गांव में, सबसे बड़ी मुख्य बात ये है कि सब में बहुत एकता है। जो भी काम करते हैं सब मिलजुल कर करते हैं। खेती का काम करेंगे तो पहले एक एक खेती में करेंगे, फिर दूसरे की खेती में करते हैं। सारे लोग जो हैं एक दूसरे के सहयोग से ही ये गांव में काम होता रहता है। और मुख्य बात इस गांव में ये है कि ये गांव जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर होती है। इस गांव में जो है कोई भी रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यहाँ पे आपका गेहूँ चावल दालें सारी चीज़ें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, पूरा पानी यहाँ तक आता है, घर घर जाता है, जो नहर का पानी होता है जी, उससे सिंचाई होती है। और सारे लोग जो है मिलकर के, एक दिन एक की नंबर आता है पानी लगाने का, दूसरे दिन दूसरे का नंबर आता है खेती में, तो सब लोग इस तरह से एक दूसरे के जुड़ करके काम करते हैं। तो आज हम लोग गढ़वाली खाने में क्या क्या पकाने वाले हैं? आज हम सबसे पहले तो माल्टे की खटाई बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम गहत का फाड़ू, पिंडालू के गुटके, और ये खीरे का रायता, पहाड़ी खीरे का, और कंकोड़े की सब्जी, और पल्लेव, ये मंडवे की रोटी, और भात, सलाद, दाल पकौड़े, पकौड़े दाल के पकौड़े। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें। चलिए शुरू करें। आइए, अगर हम इसको धूप में छीलेंगे या धूप में बैठ के धूप में रखेंगे ना ज़्यादा, तो कड़वा हो जाता है, इसलिए छाया में छीलते हैं, खाते हैं इसको धूप में बैठ के। और जब इसको खाते हैं तो अकेले नहीं खाते, बहुत सारे, मतलब सारे आसपास के लोग, गांव के ने, पड़ोसी वगैरह सब बैठ के तब बनाते हैं, तब मतलब फ्री टाइम में खाने की चीज़ है। एक और मैंने डिश खाई थी, याद है, नींबू सना, ये वो। अच्छा, वो इसका बनता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं और सब लोग बैठ के साथ में खाते हैं। ये माल्टा है। इसका सीज़न आजकल ही है माल्टे का ना, सर्दियों में होते हैं बहुत पहाड़ों में, सारे मतलब पेड़ लदे हुए होते हैं आजकल माल्टों से। इसकी हम खटाई बना रहे हैं। इसकी खटाई बना रहे हैं। मतलब इस गांव में सिर्फ 7-8 परिवार हैं। 7-8 परिवार हैं। ये होता है, मतलब बाहर के तरफ छोटे छोटे गांव होते हैं, 5-6 परिवार मिले और एक गांव बन गया है, और मेनली सभी लोग खेती में हैं। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है पूरे गांव में ना जी। और कितना अच्छा लगता है, आते जाते हैं लोग, मतलब एक दूसरे घर बैठ गए, साथ में चेयर लगी हुई है, चाय चल रही है, काम करने वाले आए हुए। नानी अकेले रहती है, पर नानी का खाना पकता पूरा फुल, मतलब 10-15 लोगों का डेली अकेले रहती है, लेकिन क्योंकि आने जाने वाले बहुत हैं, वैसे भी लोग आते रहते हैं गांव में। यही तो मजा है गांव में रहने का है। ये नींबू है, इसे गलगल भी बोलते हैं, गलगल नींबू। जो तो डिश बना रहे हैं उसको सना व नींबू भी बोलते हैं, खटाई भी बोलते हैं। मुझे कोई बता रहा था जब मैं कुमाऊँ गया कि नींबू सना का कोई प्लान नहीं होता कब बनना है, इकट्ठे सब मिलते हैं, ऐसे नहीं होता, अकेले पड़ा रहता है। हाँ। अकेले, मतलब अकेले हो घर में तो बिल्कुल मन नहीं करेगा, बट जब सब लोग होते हैं तभी खाया जाता है अचानक से। अब इसमें क्या डालने वाले हैं? इसमें हम डाल रहे हैं पिस्यूलू। तो कोई फ्लेवर वाला है ये? हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पड़ी हुई हैं, 12-13 चीज़ें पड़ी हैं इसमें, मोरवा और भी बहुत सारी पहाड़ी वाली चीज़ें। देखें क्या क्या चीज़ें। तो ये आप ही का ब्रांड है, नमक वाली? हाँ जी, नमक वाली। इसको बोलते हैं पिस्यूलू। पिस्यूलू। ये मलाई डाल दी।
घर। क्या बात। और ये रॉ मस्टर्ड ऑयल। आ क्या खुशबू आ रही है सरसों का तेल डालते ही जो झांस होती है ये कोई बना भी नहीं है लेकिन इतना टेम्पटिंग लग रहा है। मैंग, ये है मैंग के पत्ते जिस पे हम खाएंगे खटाई। तो ये हो गया तैयार खटाई जिसमें माल्टा है, गलगल है, शक्कर है, मलाई है, पिसी लून है, साथ में सरसों का तेल है और ये सर्व किया जा रहा है मैंग के पत्ते में। क्या बात है। ये देखें, आइए जायका लिया जाए। बहुत ही उम्दा जायका, इसमें खटास भी है, मिठास भी है, हल्का सा जो सरसों का तेल का झांस होता है वो भी है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर भी है मलाई के कारण, बहुत ही उम्दा। ये असल उत्तराखंड का जायका। अब नेक्स्ट क्या बना रहे हैं? अब ये दूसरी डिश जो है हमारी, ये है पिंडालू, और ये इस गांव के बहुत फेमस है पिंडालू। यहाँ के मतलब टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के पिंडालू, काफ़ी लोग लेके जाते हैं यहाँ से। इसको ना आप ऐसे ना उसके साथ ट्राई करो, और पिसे लून के साथ भी अच्छा लगता है रॉ। अच्छा ऐसे ही। चलिए नविंदू बोल रहे हैं इसको पिसे लून के साथ ट्राई किया जाए जिसमें कई तरह के मसाले हैं। तो लग रहा शकरकंदी खा रहे हैं। बस ये है कि इतना मीठी होती है थोड़ी, ये मीठी नहीं है लेकिन टेक्सचर वही है। बहुत बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट लगा। इसी लून पहले हम डालेंगे इसमें ये कड़वा तेल सरसों का, ये धनिया है साबुत धनिया, ये लहसुन के पत्ते, साबुत लाल मिर्च, ये हींग है। जखिया, ये जखिया है, और ये है फरन, पहाड़ी। इसमें क्या चीजें डली हुई है पानी मसाले में? सब चीज़ मिक्स है, 12-13 चीज़ें, तो बस इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, मसाला डालो और नमक। क्या खुशबू आ रही है। ये हो गए तैयार हमारे पिंडालू के गुटके हैं, तो एक तरह से स्नैक की तरह ही खाते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, चाय के साथ भी बहुत टेस्टी होते हैं, और रोटी के मंडू की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये जो आपने फरहन डाला है उससे हल्का एक प्याज वाला स्वाद होता है वो भी इसमें आ गया। हींग, साबुत धनिया, लहसुन, जखिया, क्या बात, साबुत मिर्चें, लाल मिर्चें सारी डाल दी है। एक खाना का स्वाद ही अलग आता है अगर लोहे की कढ़ाई में पका हुआ हो। बहुत अच्छा। ये हमारा पहाड़ी पिंडालू है, पहाड़ी तरह का भोजन है, नवंबर से लेके और मार्च तक अच्छी तरह से खाया जाता है, उसके बाद में इसमें अंकुरित हो जाता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। क्या बना रहे हैं? अब हम फाड़ू बना रहे हैं, और सबसे पहले हम सिलबट्टे पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पीसेंगे। ठीक है, ये
ये गया है तो हमने रात भर इसको भिगो दिया पानी में, और फिर अब इसको सुबह हम इसको मतलब इसका पानी निकाल के इसको अदरक लहसुन और हम मिर्च के पेस्ट के साथ इसको दर दरा पीसना है हमने, मतलब मोटा मोटा ज़्यादा बारी। मेरी मम्मी इतने स्पीड में पीसती है, घर पे देखता हूँ हमारे घर मम्मी इतनी जल्दी से पीसती है फटाफट। रख दो नानी। इसमें नमक डाला हमने और ये मिक्स मसाला जो पहाड़ी मसाला हमने। और जैसा आप लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे, मैं कुछ दिन पहले ही देहरादून मैं शिफ्ट हुआ हूँ, और हमने अपने फूड जर्नी की शुरुआत नवेंदु के साथ की है और आगे भी करते रहेंगे, कई जगहों पे जाएंगे, अलग अलग रीजन्स पे जाएंगे और जो यहाँ के स्थानीय जायके हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। शुरुआत नवेंदु के नानी के घर से कर रहे हैं। तेल गरम हो गया, हम इसमें पट्टों की डालेंगे, इसको हाथ से ऐसे चट्टा चट्टा करना। कितना अच्छा लग रहा है खुले में बैठे हुए और लकड़ी के चूल्हे पे खाना बन रहा है। ये सब चीज़ बड़े शहरों में कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ इसका आनंद आता है। खाना बनाने का टाइम ही किसके पास है, बड़े बिल्कुल एक एक करके सब डिश बना रहे हैं, यही मज़ा है गांव का है। इसको हमने क्रिस्पी होने तक इसको वो करना। उसे ग्रेवी बनाएंगे इसकी, किसकी मतलब इस वाले की ग्रेवी बनाएंगे, बनाएंगे। उसके बाद फिर इसको डाल देंगे उसमें, और फिर वो बन जाएगा फानू। फानू ऐसे भी खा सकते हैं, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। हाँ वही तो। अल्टीमेट जबरदस्त। प्रॉपर अदरक लहसुन का स्वाद आ रहा है और कितना क्रंची है। और सही हरी मिर्च आपने डाली है, तीखा भी है। तेज हो रही है आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी तेज है। लेकिन जब आप वो बनाएंगे शायद फाणू तो उसमें कम हो जाएगा। मुझे खुद पर्सनली सरसों का तेल बहुत पसंद है, मतलब जो खाने का स्वाद असल आता है वो सरसों के तेल में आता है। और ये तो और भी आपने लकड़ी के चूल्हे पर पकाया है, धीमी आँच पे सिका हुआ अल्टीमेट। सरसों का तेल यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हीट इक्वली सब इक्वल हीट मिलती है खाने को ना, और स्लो कुकिंग होती है और स्वाद भी आ जाता है, स्वाद भी आ जाता है। बहुत बढ़िया, मतलब इसका हम गोल टाइप बना देंगे, मिक्स कर देंगे। अब क्या करने वाले हैं इसका? अब हमने पहले इसमें डाला हमने सरसों का तेल, फिर अब हम इसमें डालेंगे लहसुन कटी हुई और जख्या थोड़ा फ़रन, और फिर तो हम ये फाड़ू जो हमने घोल डाल घोल बना दिया इसका, तब ये डालेंगे हम इसमें, और फिर पटुंगी डाल देंगे। हाँ फिर इसको पकने देंगे पहले, उसको जब पक जाएगी पूरी तब हम पटुंगी डालेंगे, घी डालेंगे इसमें, और फिर खाएंगे भात के साथ। भात के साथ तो ये जो फरन है इसके बारे में बताइए, इसको जम्बू भी बोलते हैं? इसको जम्बू भी बोलते हैं, और ये क्या होता है जो मतलब हाइट वाले इलाके हैं, हाई जैसे आपके उत्तरकाशी के जो हाइट वाले इलाके हैं, चमोली के हैं, धारचूला के, ये जो फरन है ये है डुकटू गांव का, जो आखिरी गांव है पिथौरागढ़ का तिब्बत चाइना बॉर्डर में, वहाँ का है ये फरन। तो इसको ये मतलब जब बर्फ़ पिघलती है तब इसको निकाला जाता है, जब बर्फ़ अप्रैल मई के टाइम पे निकलती है तब मिलता है ये घास। और ये क्या स्वाद देता है खाने में? ये स्वाद मतलब इसका एक यूनिक फ्लेवर होता है, इसकी जो खुशबू भी होती है वो भी
मेरे तो हल्का सा प्याज से मिलता लगता है। और ये जखिया इसको आप बता रहे थे? हाँ, ये उत्तराखंड में बहुत होता है, मतलब खुद ही इसको उगाते नहीं, खुद ही हो जाता है ये जखिया। तो ये तड़के में इस्तेमाल करते हैं इसका। एक और स्पाइस मैंने देखा था कुमाऊं में, गंधेड़ी। गंधराइन वो जड़ी जैसी होती है, जैसे हींग है ये तो अब आई यहाँ पे पहाड़ों में, पहले तो थी नहीं। तो गंधराइनी को कूटते थे और उसको यूज़ करते थे एज अ हींग, और वो मतलब जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या जो भी ये सब प्रॉब्लम के लिए अच्छा हो जाता है। जैसे हींग यूज़ होती है, इसीलिए यूज़ होती है ना। मैं उसमें अच्छा एक मतलब कड़वाहट मैं चबाया था उसको। अब लहसुन डाल रहे हैं, जख्या डाल रहे हैं। और ये है फरन। तो ये गाढ़ा ही रहेगा, पानी डालेंगे इसमें? नहीं, इसको पहले भूनेंगे खूब, तब इसमें पानी डालेंगे। इसमें घी डाल रहे हैं? इसमें हम पहाड़ी गाय का घी डालेंगे। घी का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। अब ये फाड़ू में उबाल आ गया और ये पक के तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पटूंगी। बिल्कुल, देखिए दाल की रंगत बदल गई है। अभी जो हमने पिंडालू खाए हैं, नीचे तो ये हो जाता है पिंडालू, ऊपर से उसकी डंडी आती है। अच्छा, उसकी डंडी होती है, उसको क्या करते हैं कि उसको काटते हैं, फिर उसको जो है ना उसके बाहर के वो जो रेशे रहते हैं उनको हटा करके फिर उसमें उड़द की दाल जो होती है उसको पीसते हैं, सिलबट्टे में पीसते हैं, फिर उसमें सारी चीज़ें मिलाते हैं ऐसे करके अच्छे से फेंट के, फिर इसको ऐसे रस्सी डालते हैं और इस जो डंडी होती है उसको लाइन से लगा लेते हैं और फिर उस पर वो पेठा लगाते हैं, ये जो आपका जो उड़द की दाल का वो लगा करके फिर उसको तैयार किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको काट के ये बनाया जाता है, इसको बोलते हैं नालबड़ी। ठीक है, और इसका बहुत ही स्वादिष्ट नालबड़ी का साग बनता है। इसको फिर अब हम इसको बनाएंगे कढ़ाई में। पहले हम इसमें डालेंगे जखिया, ये हमने डाली इसमें हींग, प्याज अच्छे से भून गया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, डालेंगे नमक, ये सब कुछ है इसमें, हल्दी वल्दी जीरा सब कुछ, कड़ी पत्ता और भी काफ़ी सारी चीज़ें सब कुछ है। इसको सॉफ्ट होने देंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे। अब ये नालबड़ी भी बिल्कुल फूल के थोड़ी बड़ी हो गई ना साइज के, अच्छे से मसाले जो आपने ने भुना है इसको वे अच्छे चला गया इसके अंदर। अभी ये नालबड़ी और आलू का साग बनके तैयार हो गया। ये छे पहाड़ी कंकोड़ा, कंकोड़ा बोलना कुछ लोग यूं थे और कुछ लोग यूं थे मीठा करेला भी बोल रहा। और ये की सब्जी बहुत बढ़िया होंगी, ये तो ये बीज निकाले थे एंड ये काला काला बीज अलग कर दा, ये सख्त सरना थोड़ा सा बीज और फिर ये काटे थे और बहुत बढ़िया सब्जी होंगी उनकी। नमक मिर्च मसाला टमाटर लहसुन प्याज सब पड़ दिए मग,
और तब बहुत टेस्टी सब्जी होती है कि ये इस तरह से चाकू से बारीक बारीक भी काटो, कुछ लोग ऐसे हाथ से भी तोड़ते हैं, इसे ऐसे करके बीज थोड़ा सख्त होते हैं, अलग काट दीजिए बीज। इसको फेंटना पड़ता है, जितना अच्छा फेंटेंगे उतने अच्छे पकौड़े बनते हैं इसके। ये मूली खोर के इसमें डाल दें, इसमें डाला नमक और मसाले। अब बनाई जा रही है उड़द दाल की पकौड़ी। पूरा नविंद एकदम एक्सपर्ट टाइप है, कटोरे के ऊपर फंदी वंदी लगा के एकदम अच्छे से उसको फेटा भी है, इसमें मूली भी डाला है, मसाले भी डाले हैं। उत्तराखंड में बहुत फेमस है उड़द की दाल की पकौड़ी। कुछ भी बार त्यौहार है, शुभ काम है, गृह प्रवेश वगैरह कुछ भी चीज, तो सबसे पहले उड़द की दाल की पकौड़ी बनाए, भोजन चढ़ाए जाए। किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए हम एक सुमंगल गीत गाते हैं ना, तो वैसे इस ये भी हमारी जो उड़द की दाल की पकौड़ी है किसी शुभ कार्य करने से पहले बनाई जाती है। बनावा उड़द की दाल की पकौड़ी, बनावा उड़द की दाल की पकौड़ी, आवा आवा पोणो दाली का पकोड़ा खाना, आवा आवा पोणो आवा आवा, जख्या को टुपुड़कुड़ो लगावा तुम ही पर दिल्लू का बदला, जख्या लगावा जख्या लगावा। ये हमारे जो जख्या है, हमारे उत्तराखंड का जीरा है। तो ये तैयार हो गए उड़द दाल के पकोड़े, जिसको हम ट्राई कर रहे हैं गाय के घी के साथ। भाई जो नविंदु बता रहे थे कि दिवाली के समय जो भी मेहमान आते हैं उनको दिया जाता है, क्या बात है। और उड़द दाल के पकोड़े के ऊपर में ये जखिया लगा हुआ है, तिल भी लगाते हैं। चलिए आइए जायका लिया जाए। घी कितना मीठा है, अल्टीमेट लाजवाब रसियन एगो हैगी, रसियन हैगी, रसियन हैगी, खूब छन खूब छन। बहुत मजा आया थोड़ा सा। ये पकौड़ा बहुत ही खस्ता बना हुआ है, गाय के घी की मिठास साथ में जो पकौड़ा तला गया सरसों के तेल में उसकी हल्की सी जो पंजेंट फ्लेवर होता है वो भी है, दोनों ही बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हल्के मसाले इसमें लाल मिर्च हींग सबका स्वाद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। हमने घी के साथ ट्राई किया, अब ट्राई करते हैं चटनी के साथ। इसमें क्या क्या मिला हुआ है चटनी में? तिल है इसमें, है भांग के बीज हैं और तिमूर है, धनिया है, लहसुन के पत्ते। घी लगाएं फिर थोड़ी चटनी लगाते हैं। सर मज़ा आ गया मनिंदू, बहुत ही उम्दा बना है, मतलब इतना खस्ता है और हल्के मसाले, बिल्कुल एक बैलेंस फ्लेवर। कभी कभी हाँ, बाजरा मडुआ आजकल शहरों में लोग ये बहुत खा रहे हैं, ये हेल्थ फूड हो गया ना अभी इसे। हाँ मोमो बन रहा है, हाँ सही बता रही, मोमो बनता है रागी, रागी मोमो ना ठीक बना है, बहुत ही कम बना है आपने इतनी भी।
कोदा मुंगरी की रोटी माँ भालू लगे दू घ्यू बिगरेड़ी मेरी डांडी कांठी वख लगे दू जू बिगरेड़ी मेरी डांडी कांठी वख लगे दू जू कोदा मुंगरी की रोटी माँ कोदा मुंगरी की रोटी माँ भालू लगे दू घ्यू बिगरेड़ी मेरी डांडी कांठी वख लगे दू जू बिगरेड़ी मेरी डांडी कांठी वख लगे दू जू गाय तुझा घी इतना मीठा है बहुत बढ़िया एक किलो पता नहीं मीठा है रोटी नहीं है रोटी तो है ही नहीं थी रोटी अच्छी है लेकिन हाँ चबाना पड़ता है आराम से मानू नालबड़ी भात रायता पल्लियो पिनालू मडुए की रोटी कनकोड़ा और साथ में तिल की चटनी। चलिए शुरू किया जाए गढ़वाली भोज जो कि नवेंदु ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये जो खाना बना है ये आम दिनों भी ऐसे ही ये सारी डिशेज बनती हैं। फानू और भात बना लिया पिनालू और भात बना लिया तो गहत के दाल के काफी डिशेस बनाते हैं। इसकी दाल भी बना सकते हैं सिंपल। बिल्कुल एक लग रहा है पिकनिक ही बना रहे हैं। तुमने जो पिनालो के गुटके बनाए थे और ये साग बनाया सब में तड़का जकिया का लगा हुआ है। ये भी कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। अब ट्राई करते हैं नाल बड़ी। नमिंदु ने मसालेदार बनाया। अब ट्राई करते हैं कंकोड़े जिसको पहाड़ी करेला बोलते हैं। तो इसको आप लोग मीठा करेला भी बोलते हैं। होता है ये पहाड़ों पे ही है। बरसात से लेकर अब तक होता है। 100 रुपए किलो महंगी है मतलब। जितने भी डिशेस बनाई हैं सबका अलग अलग स्वाद है और सारे ही स्वाद है इसमें। बस बस मुझे तो ये पिनालू बहुत पसंद आया। इतना ऐसा लग रहा है ऐसे मलाई खा रहे हैं। पिनालू रायता में जीरे का तड़का लगाया है हमने वहाँ पे खाया था उसमें राई डाला था। ये है पल्लियो इसको जंगोरा को पकाया गया है मट्ठे में हल्दी नमक के साथ। आज तो जल्दी में बना बहुत अच्छा बनता पतला ना। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है अच्छा खट्टा बना है इसमें। रायते के साथ भात खाया जाए इतना भी मिर्च सब खत्म हो जाएगा। मैं सर मिर्च खाता ही नहीं बिल्कुल नहीं खाता बिल्कुल नहीं। उसके बाद विश्राम छत पे आके सो जाओ। बहुत बढ़िया मज़ा आ गया खाना खाने में। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था नवेंदु बहुत सब चीज़ें खाने में बहुत अच्छा लगा। सबका स्वाद अलग था फानू थोड़ा तीखा था बाकी सब मज़ा आया खाना खाने में। फानू चलिए वैसे यहाँ पे खाना थोड़ा तीखा खाते हैं ना थोड़ा तीखा खाते हैं खाना। मेरी सबसे फेवरेट डिश जो रही वो रही उड़द दाल के जो पकौड़े बनाए थे वो बहुत अच्छे लगे और वो खटाई सारी चीज़ और पिनालू के उठके सभी चीज़ अच्छी थी मतलब सभी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आया। और ख़ासकर हाँ जी हाँ चूल्हे में लकड़ी के चूल्हे में बना हुआ धीमी आँच पे पका हुआ और साथ में सब लोग पंगत में बैठ के खाए साथ में बैठ के खाने में मज़ा आता है। बिल्कुल क्योंकि आजकल तो मोस्टली क्या हो गया घरों में सब अकेले अकेले ही खा रहे हैं। साथ में बैठ के खाने में मज़ा भी आता है और साथ में बैठ के पकाने में मज़ा आता है। तो कितना अच्छा लगा कि मामी जी आई फटाफट वो भी लग गई नानी जी भी लग गई आप भी लग गए नमिंदु भी बना रहा था सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे तो उसमें खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। रोटी भी स्वाद की कितनी स्वादिष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल हर एक चीज़ और कितना एक तरह से ज़मीन से जुड़ा हुआ जायका है यहाँ का उत्तराखंड का गढ़वाल का बहुत ही अच्छा लगा। मतलब सिंपल फूड सोल फूड
जो हम कहते हैं वो ये है। और ये फूल बहुत ताकत भी देता है क्योंकि लोग इसको खा लेते थे और फिर काम पे जाते थे अपने खेतों वगैरह में, दिन भर का काम पे शाम को आना, तो ये फूल ताकत भी देता है शरीर को, सिंपल और ताकतवर। चलिए धन्यवाद, थैंक यू नवेंदु, हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे ज़रूर और गढ़वाल के जो और भी जायके हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे। ये जो है ना हमारे उत्तराखंड की एक परंपरा है कि जब कोई अतिथि घर में आते हैं तो उनको कुछ समूण दी जाती है, तो ये हमारे उत्तराखंड के पिंडालू हैं और ये हमारे उत्तराखंड का मंडवे का आटा है, मंडवे की रोटी और पिंडालू की सब्जी के साथ खाना बहुत मज़ा आएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है लाली जी, धन्यवाद, थैंक यू।